नमस्कार, मैं दीप्तिमान चौधरी जबलपुर मध्य प्रदेश से, और हम खेती करते हैं। हमारी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है फार्म वन सिनर्जीज, farmone.in के नाम से हम खेती करते हैं। और हमारी दूसरी कंपनी है desimati.com, जो कि हम जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस द प्लेसेस हम उसके थ्रू पहुँचाते हैं। मेनली हमारे पास जो क्रॉप है वो कैप्सिकम है, आप देख पा रहे हैं शिमला मिर्ची जो है, हरी शिमला मिर्च है जो हम उगाते हैं यहाँ पे, और लगभग 200-225 एकड़ पे हम काम कर रहे हैं फिलहाल, और जिसके अंदर शिमला मिर्ची का एक बड़ा हिस्सा है हमारे पास। और शिमला मिर्ची जो है करीब करीब हम 150 एकड़ पे उगाते हैं और अक्रॉस इंडिया भेजते हैं हमारे खुद के ब्रांड से देसी माटी के। उससे इसके अलावा देसी माटी जो है, जब हमने इसको शुरुआत की थी तो हमें भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली कहाँ जाएगा, क्योंकि वेजिटेबल हमारा डोमेन नहीं था। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, मैंने 10 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया, और उसके बाद जो है हमने इस वेंचर को शुरू किया था। और मज़ेदार बात मैं आप लोग को बताऊँगा कि हमारे पास खुद की कोई भी ज़मीन नहीं है, ना एक स्क्वायर फुट ज़मीन हम ओन नहीं करते हैं। हम हर जगह कोलैबोरेट करते हैं, रेंट पे लेते हैं, और उसके बाद इन ज़मीनों को तैयार करते हैं, इसमें ड्रिप इरीगेशन वगैरह लगाते हैं, और पूरा जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चर के तौर पर कर सकते हैं उस तरह से हम इसको करते हैं। और ये हमारी इस साल की क्रॉप है जो आप देख रहे हैं। हमारे पास चिली भी होता है, आपका कैप्सिकम होता है, टमेटो होता है, ब्रिंजल होता है, भाटा जिसको बोलते हैं, तो इस तरह के मिक्स क्रॉप के साथ हम काम करते हैं आज की डेट में। और ना सिर्फ हम सारे अलग अलग शहरों में माल पहुंचाते हैं, बल्कि जो स्पेसिफाइड चैनल्स हैं जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, देन बड़े बड़े जो रिटेल चेन्स हैं, रिलायंस फ्रेश हो गया, इस तरह के लोगों को भी हम डायरेक्ट सप्लाईज़ करते हैं। और हमारे प्लान्स है कि हम इन खेतों को और बढ़ाएं और आगे तक लेके जाएं, और हम चाहेंगे कि और भी लोग इसमें जुड़ें और इस तरह से वो भी खेती कर सकते हैं अपने गांव में, अपने तालुका में, अपने ज़िले में, और वो खेती को आगे लेके जा सकते हैं इस तरीके से। सारे किसान भाई मेरे दोस्त ये देख सकते हैं, ये हमारी फसल यहाँ खड़ी हुई है, और ये कैप्सिकम है, लगभग मैं 5'8" का हूँ और कैप्सिकम लगभग मेरे यहाँ तक है। तो लेकिन पहले हम ऐसी फसल नहीं कर पाते थे, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। और हमारी जो पिछले 7 साल की लर्निंग थी वो इस तरह की थी कि अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो आपको अच्छा इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर को, जैसे हम लोग रखने के लिए बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं, वैसे ही ये भी सजीव है, इनको भी खाना उसी तरीके से चाहिए है जिस तरह से आप देख रहे होंगे। जैसे मेरे एक इंटरनोड पे इतने सारे फ्रूट्स से, करीब 10-12 फ्रूट्स एक इंटरनोड के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमको ये समझ में आया कि न्यूट्रिशन और बैलेंस न्यूट्रिशन जैसे इंसान की ज़िंदगी में काम आता है, वैसे प्लांट्स के लिए भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लकीली आज से कुछ 1-2 साल पहले हमारे पास 11 से उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे यहाँ विजिट के लिए, मिस्टर आदित्य सिंह। सो हम उनके साथ डिस्कशन हमने शुरू कर किया, तो फिर हमको पता चला कि हम कई सारी जगहों पर चूक रहे थे, हम न्यूट्रिशन को प्रॉपर नहीं बिठा पा रहे थे, या कहीं ना कहीं गलती हो रही थी। और जो ऑप्टिमम स्केल और ऑप्टिमम क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे, जैसे ये देखिए आप, जो किसानी करते हैं वो लोग ज़रूर इस चीज़ को समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी फार्मर को समझना कि हमको खिलाना क्या है अपने पौधों को, जिस तरह से ये पौधे बने। और ये पहला साल नहीं है इस खेत का, लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं कि खेत में खाद देने से खेत बैठ जाता है, वो इनऑर्गेनिक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि आपको अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन आपको लगातार देते रहना पड़ेगा ताकि आप क्वालिटी प्रोडक्शन ले सकें इन चीज़ों से। तो और हमको ये समझ में आया, हम यारा के साथ जब से जुड़े तो हमको भी ये चीज़ समझ में आई कि क्वालिटी न्यूट्रिशन क्या होता है। एक तो आपको काफ़ी कम क्वान्टिटी में देना होता है चीज़ों को, और रिजल्ट आप खुद देख पा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा हाई रेंज प्रोडक्शन लेते हैं आज की डेट में। और क्वालिटी और विगर, कलर अगर सब कुछ देखेंगे आप तो बहुत बैलेंस तरीके से चल रहा है। एंड डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा हिस्सा यारा का रहा है, मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस, डेफिनेटली फार्मिंग में प्रैक्टिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड उसके बाद जो है आपका न्यूट्रिशन और आपका टाइमली मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है। और गुड पार्ट विद यारा वॉज कि उन्होंने हमें ना सिर्फ न्यूट्रिशन सिखाया, हमको न्यूट्रिशन कैसे मैनेज करना है, उसकी टाइमिंग कैसे मैनेज करना है,
और इस तरह की काफ़ी सारे इंसाइटफुल चीज़ें वो हमें बताते सिखाते रहे, और डेफिनेटली आज उसका बेनिफिट हमको कमर्शियली भी मिला है, और आप हमारी फसल देख ही पा रहे हैं किस तरह की फसल है। और तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से जो भी फार्मिंग में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी रेकमेंड करूँगा कि वो इन चीज़ों को सीखे, समझे, एक्सपर्ट की सलाह लें, और जो बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और प्रैक्टिसेस हैं उनको ज़रूर अडॉप्ट करें। बिकॉज क्या, अगर आप प्रोडक्शन नहीं निकाल पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफ़ी हाई हो चुकी है आज की डेट में फार्मिंग के तौर पर देखा जाए तो। और अगर आपको एक्चुअली सक्सेसफुल बनाना है इस चीज़ को, तो आपको डेफिनेटली क्वालिटी फर्टिगेशन, क्वालिटी न्यूट्रिशन और क्वालिटी क्रॉप मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें करनी है, और जिसके लिए मुझे लगता है यारा इज़ वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स, क्योंकि हमें बहुत मदद मिली है और मैं इसको बोलने में बहुत खुशी मिलती है मेरे को, क्योंकि हमें एक्चुअली बहुत सही तरह की गाइडेंस मिली, किसी ने कुछ गलत नहीं बोला, कोई प्रोडक्ट ओवर सेल करने की कभी कोशिश नहीं की गई, और जो सही था वही सिखाया गया, और वो हमें हाथों हाथ रिजल्ट में दिखा कि हमें कहीं ये नहीं बोलने की ज़रूरत है कि इस प्रोडक्ट से ये होता है या वो होता है, ये आँखों से दिखता है, आप जो भी बोलते हैं आँखों से आपको दिखता है। तो फाइनली मैं सारे मेरे यंगस्टर दोस्तों से और अपकमिंग फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर से यही बोलूँगा कि आप लोग डेफिनेटली अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, एंड आई विल रियली यू नो फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट आई लाइक टू थैंक्स यारा फॉर गिविंग अस सच गुड सपोर्ट, प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जिससे आज हम इतनी ज़बरदस्त खेती कर पा रहे हैं। आई रियली यू नो गिव अ बिग थम्स अप टू यारा फॉर हेल्पिंग अस इन दिस होल जर्नी। थैंक यू वेरी मच।